संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे अब नेक्स्ट श्लोक की बात यहीं तक किया था हमने छह तक ही किया है सात से शुरू करें सात आठ नौ देखो इसका संबंध क्या है पहले तो ये समझ लो अभी तक तो ये सारी बातें हुई अब दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य को ये सारा बताया कि पांडवों के पक्ष में कितने सारे महारथी हैं सारे एक से एक तब दुर्योधन को ये लगा कि कहीं द्रोणाचार्य ऐसा ना कह दे कि पांडवों की सेना इतनी संगठित है इतनी अधिक स्ट्रांग है तो तू उनसे मैत्री क्यों नहीं कर लेता संधि क्यों नहीं कर लेता उसको ऐसा भय लगा कि कहीं द्रोणाचार्य लास्ट मोमेंट पर संधि का प्रस्ताव ना दे दे तो दुर्योधन ने कहा ठहरो पहले अपनी अपने पक्ष से भी कौन कौन लड़ रहा है उसकी जरा आपको मैं लिस्ट बताता हूँ ये सेवंथ एट और नाइन्थ श्लोक के अंदर है चलो एक साथ सात आठ और नौ अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधद्विजोत्तम नायकावम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समीतिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णः च सामदतिः तथा एव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रा अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं शस्त्र अस्त्रों से शास्त्र नहीं है शस्त्र और अस्त्र से क्या बता रहे हैं अस्माकं तु विशिष्टता हमारे पक्ष में भी क्या कह रहे हैं दुर्योधन हमारे पक्ष में भी विशेष विशेष लोग हैं द्विजोत्तम इनको बोलते हैं द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम द्विज यानी दोबारा जन्मा वैसे तो द्विज का अर्थ यही होता है जो दोबारा जन्मा है कौन जन्मता है एक तो जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है ये पहला जन्म दूसरा जो गुरु के पास समर्पण करके अब नया जन्म आरंभ करता है इसे द्विज कहा जाता है जहां समर्पण हुआ और उसके बाद का जीवन इसे द्विज कहा जाता है ऐसे द्विज में उत्तम कौन है तो कहा द्रोणाचार्य ये वैसे इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है लेकिन यहां पर दुर्योधन जैसा व्यक्ति क्या कहना चाहता है दुर्योधन ये कहना चाहता है कि हे उत्तम पुरुष कौन द्रोणाचार्य तुमने ही द्विज को ट्रेन किया है अच्छाई को भी तुमने ट्रेन किया है बुराई को भी या वो ऐसा कहना चाहता है क्योंकि अहंकार से भरा है तो ये कहना चाहता है हम दोनों ही उत्तम है कौन कौरव भी उत्तम है और पांडव भी उत्तम है और इन दोनों को ट्रेनिंग आपने दी है ये याद करा रहा है वापस दुर्योधन द्रोणाचार्य को पुनः याद करा रहा है कि दोनों सेना उत्तम सेनाओं को लो
बुराई भी अपने आप को उत्तम ही कहेगी। अगर बुराई अपने आप को न्यून कहने लगे तो वो ज्यादा टिकी नहीं सकती। लेकिन बुराई कहती है मुझ उत्तम सेना को और वो दूसरी उत्तम सेना को, दोनों को ट्रेनिंग किसने दी है? आपने दी है। हमारी सेना में भी, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूं, सारे साथ के साथ एक में ही आ जाएंगे। भवान भीष्मश्च, भवान यानी द्रोणाचार्य आप, पहले कौन है? द्रोणाचार्य खुद। दूसरे कौन है? भीष्म। तीसरे कर्ण। चौथे कृपाचार्य। पांचवे अश्वत्थामा, नेक्स्ट लाइन में। छठा विकर्ण और सातवां सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब ये देखते हैं कि ये सारे क्या है। द्रोणाचार्य के ऊपर हमारी बात चल चुकी है। द्रोणाचार्य कौन है? संस्कारों का प्रतीक। एक बात का ध्यान रखना, तुम ध्यान से सुनो, एक बात का ध्यान रखना, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी बोलते हो और जो कुछ भी सोचते हो, आप जो कुछ भी करते हो, बोलते हो, सोचते हो, वो कहीं धुआं नहीं उठ जाता। इस चेतना की धारा के अंदर, इस विश्व व्यापार के अंदर, वो जो कुछ भी किया, सोचा, बोला, ये सब कुछ कहीं गायब नहीं हो जाता, खो नहीं जाता, तुम्हारे ही भीतर संस्कार बनकर वापस बैठ जाता है। जो किया, जो सोचा और जो बोला, ये तीनों चीजें, तुमने कहा मैंने कह डाला, बात खत्म, मेरा मन हल्का हो गया। तुम्हारा मन हल्का बेशक हुआ, लेकिन जो कह डाला वो वापस संस्कार बनकर तुम्हारे ही चित्त के ऊपर एक नई इंप्रेशन, एक नया ढंग से वापस आकर स्थिर हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी तुम सोचते हो, बोलते हो, कहते हो, इच्छा करते हो, भावना करते हो, विचार करते हो, ये कहीं भी खोते नहीं है। विचार हुआ तुम्हें, चाहे कहा चाहे नहीं कहा, चाहे कह डाला चाहे नहीं कहा, लेकिन फिर भी वह संस्कार बन के वापस तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे चित्त के ऊपर, तुम्हारे सबकॉन्शियस के ऊपर एक नई इंप्रेशन बना देता है, वापस बीज रूप में जाके गिर जाता है। तुम जो भावनाएं उत्पन्न करते हो किसी के लिए, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। आवश्यक नहीं कि हम हर बार कह डालें, आवश्यक नहीं, तुम कहो ना कहो, ये ब्रह्म चेतना, ये विश्व का विज्ञान, विश्व की स्थापना कहती है, तुम कहो ना कहो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने सोचा ना एक बार, वो भावना उठी, यानी संस्कार बन गए। द्रोणाचार्य कैसे बन रहे? तुम अच्छा सोचो तो भी संस्कार बनेंगे, तुम अच्छा बोलो तो भी संस्कार बनेंगे, तुम अच्छा करो तो भी संस्कार पड़ेंगे। तुम अच्छा सोचो पर बोलो नहीं, अच्छा करने की सोचो पर करो नहीं, लेकिन फिर भी संस्कार तो बनते ही जाएंगे। सो वॉट एवर, फाइनली कहना क्या चाहती हूं मैं, तुम जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन वो सभी कुछ तुम्हारे भीतर द्रोणाचार्य का यानी संस्कारों का निर्माण करता जाता है। बहुत सावधान रहना। और उसमें भी आध्यात्मिक ग्रंथ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, तुमने जो किया उससे भी संस्कार पड़ा, तुमने जो बोला उससे भी संस्कार पड़ा, और तुमने जो सोचा उससे भी संस्कार पड़ा, लेकिन इन सब के प्रपोर्शंस अलग अलग हैं, इन सब की परसेंटेजेस अलग अलग है। तुमने जो किया उसे 1% संस्कार पड़ा, तुमने जो बोला उससे 1% संस्कार पड़ा, और तुमने जो सोचा उससे 98% संस्कार पड़ रहे हैं। 98%, ये इसलिए मैंने कहा ना, पूरा मनोविज्ञान है, पूरा साइकोलॉजिकल बैटल शुरू हो रहा है। तुम्हें इसलिए किसी के साथ तुम्हारा संबंध, तुम उसके लिए क्या करते हो ना, उससे नहीं बनता। ध्यान रखना, तुम किसी के साथ क्या व्यवहार करते हो ना, उससे संबंध नहीं बनता, उससे संबंध की प्रगाढ़ता नहीं होती, लेकिन तुम उसके लिए क्या सोचते हो ना, इससे संबंध बनता है। और रिलेट कर लेना,
अपने जीवन के साथ 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 में तालमेल बिठा के देख लेना कि तुम्हें लगेगा मैं इस अपनी पत्नी के लिए या मैं अपने बॉस के लिए, दोनों सेम ही होते हैं वैसे, लेकिन मैं अपने बॉस के लिए इतना काम करता हूँ, इतना काम सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन फिर भी वो मुझसे खुश नहीं है। जरा अपने भीतर जाग के देखना, तुम काम तो बहुत कर रहे हो लेकिन तुम उसके लिए अच्छा सोच नहीं रहे। तुम अपनी पत्नी की हर फरमाइश पूरी कर रहे हो लेकिन उससे ज्यादा किसी और के बारे में अच्छा सोच रहे हो, यानी इसके बारे में कम अच्छा सोच रहे हो। रिलेट कर लेना। तुम अपनी टीचर का हर दिया हुआ होमवर्क करके आते हो, तुम कहोगे हमने सारा होमवर्क किया लेकिन फिर भी ना टीचर को मैं अच्छा ही नहीं लगता। देखना इन द ब्रेक, ब्रेक पीरियड्स, दो पीरियड्स के बीच में जो होता है, तुम उस टीचर के बारे में क्या क्या बोलते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा संबंध करने से नहीं बनता। करने से तो 1% बनेगा लेकिन सोचने से 98% सोचने से बन रहा है। अपने इन विचारों को देखो कहाँ गलत हो। अभी फ्राइडे के सत्संग में ही कहा था मन विनय के गलत विचार चल रहे हैं तो अच्छे में लाओ, अच्छा संस्कार बन जाएगा, अच्छा संस्कार बन जाएगा। संस्कार बनेगा, खोएगा कुछ नहीं, लेकिन कौन सा संस्कार बनाना है ये हमें देखना होगा। और जिसका पक्ष ज्यादा होगा, कौरवों का पक्ष 100 का था, पांडवों का पक्ष 5 का था, तो संस्कारों को ऑटोमेटिकली जो ज्यादा है उसके पक्ष में युद्ध करना पड़ता है। तुम्हें अपने जीवन में अच्छाई बढ़ानी है तो अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। गांधी जी के 3 मंदिर में सोचने का मंदिर नहीं डाला, ये गड़बड़ करती, ऐसा था ना कुछ, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, ये 4th मंदिर लाओ। अच्छा सोच, तुम्हारी सोच अच्छी होगी तो संस्कार तुम्हारे अच्छे बनेंगे। संस्कार का निर्माण होता है, देखो तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छा संस्कार पड़ता है, अच्छा संस्कार पड़ता है तो अच्छा सोचते हो, इट्स अ विशियस साइकिल। तुम बुरा सोचते हो बुरा संस्कार पड़ेगा, बुरा संस्कार पड़ा है इसलिए तुम बुरा ही सोचोगे, बुरा ही करोगे, बुरा ही बोलोगे। जैसा संस्कार पड़ा वैसा ही निकल कर बाहर आएगा। पूरे दिन तुम क्या सोचते हो ना मॉनिटर योर थॉट्स। मैं कितनी बार कहती हूं अपने विचारों को देखो, जानो किस टाइप का, किस कैटेगरी का विचार चल रहा है, और इसलिए निरंतर एक धारा चलती रहती है, चलती रहती है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा संस्कार पड़ते रहते हैं और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। कहीं इस साइकिल को हम ही को तोड़ना पड़ेगा, और इस साइकिल को तोड़ने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए कोई युक्ति नहीं चली, कोई ढंग, कोई किसी के पास शस्त्र ही नहीं थे ऐसे कि जिससे द्रोणाचार्य को मारा जाए। उनको मारने के लिए कपट छल युक्ति, युक्ति कपट छल ये करना पड़ा। तुम्हें मालूम है कि नहीं द्रोणाचार्य कैसे मरे? अश्वत्थामा मर गया, नरोवा कुंजरोवा जल वाला कुछ एपिसोड था कि हाथी का नाम रख दिया अश्वत्थामा, क्योंकि ये किसी से नहीं मर रहे थे। 15 दिन तक यूं 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 सबका सेना का संहार कर रहे थे, 10वें दिन भीष्मा तो चले गए लेकिन अब द्रोणाचार्य से निपटने की किसी में भी ताकत नहीं आ रही थी। तब यहाँ पर युधिष्ठिर के माध्यम से छल कराया गया। युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? निष्काम कर्म का। उसके माध्यम से छल कराया, और छल कराया किसने? श्री कृष्ण ने। यहाँ इन बुराई को हटाने के लिए भी तुम्हें शायद थोड़ा कपट करना पड़े, आगे आता जाएगा, शायद तुम्हें चालाकी करनी पड़े जिसे यहाँ चतुराई कहते हैं, लेकिन डोंट वरी, इस चालाकी में, इस कपट में, इस युक्ति में कृष्ण तुम्हारे साथ है। डोंट वरी, कृष्ण साथ है, क्योंकि जब तक कृष्ण का साथ नहीं है तब तक तुम बुराई को ऊपर जीत ही नहीं पाओगे। और द्रोणाचार्य सबसे विकट समस्या है, सबसे बड़ा संस्कार जो पड़ गया, तुमने तो देखा भी नहीं, और इस जन्म का थोड़ी, पिछले जन्मों जन्म का लेके आ रहे हो। अब जन्मों जन्म को माइनस भी कर दो तो इस जन्म का ही सोचो तो कितना कुछ हम सोच चुके हैं, सोचा है कि नहीं? वो जितना कुछ सोचा है वो सारा तुम्हारा संस्कार बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और जो जितना ज्यादा बड़ा संस्कार होगा, अच्छा संस्कार बड़ा होगा तो अच्छा करोगे, बुरा बड़ा होगा तो तुम बुरा करोगे। ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। इसको तोड़ने के लिए सहायता लेनी होगी निष्काम कर्म की।
आ गया वापस निष्काम कर्म, घूम फिर के हम आ जाएंगे उसी बात के ऊपर, निष्काम कर्म की सहायता लेनी पड़ेगी उस संस्कार, निष्काम कर्म करते करते करते, क्योंकि निष्काम कर्म में कुछ अपेक्षा तो है नहीं, कामना तो है नहीं, कोई कुछ रिटर्न की तो इच्छा है नहीं, ये करते करते तुम्हारे पुराने कर्म खत्म होंगे और नए कर्म बंधने से अटकेंगे, नए संस्कार बंधने से अटकेंगे और पुराने संस्कार तुम्हारे अच्छे की तरफ जाते जाएंगे, पुराने बुरे हैं वो टूटते जाएंगे। तो ये सबसे पहले द्रोणाचार्य, ये किसका है प्रतीक? संस्कारों का। और संस्कार बनाता कौन है? तुम्हारे विचार। तुम क्या करते हो इससे संस्कार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो ना, ये 98% संस्कार तुम्हारी सोच बनाती है। 15वें दिन पे, युद्ध के 15th डे पर, अश्वत्थामा वाला जो भी एपिसोड हुआ उसके कारण उन्होंने, द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र सारे छोड़ दिए और उसके बाद उनको उनका वध कर दिया गया। 15वें दिन के बाद कितने दिन चला युद्ध? 3 दिन बस, टोटल 18 दिन का युद्ध है। 18 दिनों का युद्ध है जहां संस्कार गिरे, जहां संस्कार खत्म हुए, वहीं अब ज्यादा लंबा युद्ध नहीं चलता। 3 दिन के अंदर बड़ी सुंदरी वताकृति मात्र जो ये हालत रह जाती है, और 3 दिनों के अंदर सारा का सारा जो संग्राम जन्मों जन्म से चल रहा था, बहुत ही जल्दी 3 दिन यानी बहुत थोड़े दिन के अंदर ये सारा संग्राम खत्म हो जाता है। इसलिए द्रोणाचार्य को अच्छे से समझना, ये संस्कार तुमसे कार्य करा रहे हैं। सोच सोच के सोचना, अब ऐसा बोलूं तो समझ में आएगा? सोच सोच के सोचना तब तुम्हें समझ में आएगा, अरे ये गलत संस्कार पड़ा, अरे काम वाली तुम्हारे लिए, यहां क्लाइंट, काम वाली और क्लाइंट के कारण सच हो के ना हो तुम्हारे भीतर संस्कारों का, कुसंस्कारों का ढेर बनता जा रहा है। तुम कहोगे मैं अपनी काम वाली को इतना देती हूं, फिर भी वो ठीक नहीं रहती, छुट्टी कर लेती है, टाइम पर ही छुट्टी करती है। तुम सोचते क्या हो? जस्ट गो इनसाइड, तुम क्या सोचते हो उस पर आधार करता है। दूसरा है, दूसरे कौन है हमारे यहाँ पर महारथी? भीष्म पितामह, इनसे तो तुम सब वाकिफ हो। ये भीष्म पितामह प्रतीक है अहंकार के। अहंकार किसी से शादी नहीं करता, ध्यान रखना, किसी का नहीं होता किसी से शादी की। दृढ़ प्रतिज्ञा थी ना भीष्म पितामह की, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब कौन सा ब्रह्मचारी ये समझो, अहंकार का किसी से भी गठबंधन होता ही नहीं, वो मैं आई एम समथिंग वाले भाव के साथ ही जीता है, उसके भीतर और कोई भाव नहीं होता। वैसे ये अहंकार होता क्या है? हम इस विश्व नाटक के अंदर ये चेतना जो आई है, ये जिस शरीर में आई है, इसे मैं मानना, ये अहंकार है। और दूसरा, इस शरीर का बाहर से इंद्रिय जगत के साथ जो भी है, बाहर का जो भी जगत है उसके साथ जो संपर्क बनाने के साधन है, उन्हें मेरा मानना। वापस ध्यान से सुनो, अहंकार यानी मैं और मेरा की योजना, मैं और मेरा। जिस शरीर में ये चेतना ने प्रवेश किया है, इसे मैं मानना, इस शरीर को मैं मानना, और ये जिस जिस साधनों से बाहरी वस्तुओं के साथ, लौकिक जगत के साथ संबंध बनाती है, किससे संबंध बनाती है? इंद्रियों से संबंध बनाती है, देखने से, सुनने से, बोलने से, सोचने से संबंध बनाती है। जिन जिन साधनों के माध्यम से ये संबंध बनाती है, उन सबको मेरा मानना। दो बातें, फर्क है, एक मैं और एक मेरा। अहंकार के ये दो रूप है, पहला क्या? मैं, ये शरीर यानी मैं, और दूसरा जो जो साधन बाहरी दुनिया के साथ, बाहरी जगत के साथ संबंध बनाते हैं, उन सबको मेरा मानना, मेरा। और उससे भी बड़ी मूर्खता, जो संबंध नहीं बनाते उनको भी मेरा मानना। लेकिन चलो हम अभी खाली मैं और मेरे के ऊपर बात करते हैं, कैसे कैसे ये मैं मेरे के उलझन में हम पड़े रहते हैं और ये सारा अहंकार बन जाता है।